हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रॉक्सी चेकिंग के बारे में बताते हैं कि ये प्रॉक्सी कैसे सही है, क्या है, इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, पीओ है कि पीसी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पीएनपी टाइप की प्रॉक्सी है और इसको आज हम चेक करेंगे कि ये प्रॉक्सी हमारी काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है। और ये कैसे पता चलेगा, तो ये एसएमपीएस है। प्रॉक्सी को ऑन करने के लिए 24 वोल्ट 24 वोल्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, 24 वोल्ट पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। तो मैंने चेकिंग के लिए आपको इंडिकेशन के लिए एक 24 वोल्ट की एलईडी, ये है एलईडी, इस पर लिखा है कि ये 24 वोल्ट इसकी रेटिंग है, आई मीन 24 वोल्ट पे ये ऑपरेट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसके वायर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये एसएमपीएस का निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। तो ये जो प्रॉक्सिमिटी में तीन वायर निकला रहता है, ये देखो आप देख सकते हो, एक ब्लू वायर है, एक ब्राउन वायर है, एक ब्लैक वायर है। किसी भी प्रॉक्सी में जो ब्लैक वायर होता है, पास से देख लीजिए, ये प्रॉक्सी के अंदर से तीन वायर निकली है। किसी भी प्रॉक्सी में जो ब्लैक वायर होता है वो हमेशा आउटपुट निकालता है, ठीक है। पीएनपी सेंसर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, आई मीन ये आउटपुट 24 वोल्ट पॉजिटिव निकालेगा, केवल 24 वोल्ट पॉजिटिव अकेले निकालेगा इस वायर से। और ये निगेटिव होता है हमेशा प्रॉक्सी का, और ये हमेशा प्रॉक्सी में पॉजिटिव 24 वोल्ट इस वायर में दिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि ये हमारी एलईडी है, ये इंडिकेशन के लिए मैंने एलईडी को ऑपरेट होने के लिए एक पॉजिटिव प्लस ज़रूरत हो 24 वोल्ट और एक निगेटिव की ज़रूरत होती है। तो निगेटिव तो मैंने इसको डायरेक्ट दे दिया एसएमपीएस से, ठीक है। और जो पॉजिटिव वाला है, ये जो पॉजिटिव है, जब ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर के सामने जैसे ही कुछ आएगा, जैसे ही कोई मेटेलिक वस्तु आएगी, कोई थिंग्स आएगी इसके सामने, तो ये जो ब्लैक वाला वायर है तब ये 24 वोल्ट निकालेगा, ठीक है। उस टाइम ये 24 वोल्ट ये निकालेगा, तब ये एलईडी हमारी जल जाएगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर हमारा सही है, ठीक है। ये पीओ का मतलब परमानेंट ओपन होता है और पीसी का मतलब परमानेंट क्लोज, ठीक है। तो परमानेंट ओपन का मतलब जैसे कि मैंने इस, ये देखो मैंने ऑन कर दिया है, तो अभी परमानेंट ओपन आई मीन ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे इसके सामने कोई मेटेलिक वस्तु आएगी, आई मीन मेटल धातु जैसे लोहा कॉपर, तो ये सब जैसे कोई वस्तु आएगी तब ये जलेगा, आई मीन इस टाइम ये कंटिन्यू परमानेंट ओपन ही है। ओपन का मीन्स ये जलेगा नहीं अभी, ठीक है। तो इसके कनेक्शन के बारे में आप देख लिए हैं कि जैसे देखो कुछ इसमें इसके सामने मेटेलिक थिंग्स आई, तो ये जो ब्लैक वाला वायर होता है ना, तो 24 वोल्ट जैसे ही आएगा, क्योंकि निगेटिव तो मैंने डायरेक्ट एलईडी में दे दिया है। और ये जो पॉजिटिव वाला वायर है, इसमें जो है देख सकते हैं, ये है ब्लैक वाला वायर, जो ये सेंस होने के बाद 24 वोल्ट निकालता है, ठीक है। तो 24 वोल्ट ही इसमें आ रहा है, बट थोड़ा इसको टच मत करना आप लोग। तो ये देखिए, अब इससे पता चल गया कि हमारी प्रॉक्सी सही है। हाँ, प्रॉक्सी दो टाइप की होती है, एक इंडक्टिव टाइप होता है, एक कैपेसिटिव। इंडक्टिव टाइप केवल मेटल को सेंस करता है, और कैपेसिटिव टाइप जो है मेटल और नॉन मेटल। नॉन मेटल का मीन्स प्लास्टिक, वुड, रबर, और मेटल भी, मेटल मीन्स आयरन, कॉपर, कुछ भी होता है, तो सब कुछ इसके सामने कुछ भी आ जाएगा तो वो सेंस करेगा। बट ये इंडक्टिव टाइप है, ये केवल मेटल आएगा तभी सेंस करेगा, अदरवाइज जैसे ये प्लास्टिक है तो ये प्लास्टिक नहीं सेंस करेगा इसके सामने, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। हाँ, अभी ये पीओ, इससे देखो जैसे कि आने के इसके सामने मेटल आने के बाद जल गया, तो ये समझो कि ये पीओ है, परमानेंट ओपन है। और जो पीसी रहेगा, बिना कुछ सेंस किए हुए कंटिन्यू ये एलईडी जलती रहेगी। पीसी के मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। तो आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बंद करते हैं इसको।